अगले सवाल पर आते हैं जो कि काइनेमेटिक्स का सवाल है। इसमें बताया गया द डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेयर इज विद टाइम टी एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज एक्स पावर माइनस एन वेयर एन इज एन इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो जैसा कि देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है वो दिया गया है ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी। चूँकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा टू एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टू ए टी प्लस टू बी, ये आ जाएगा। यहाँ से टू जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया x इंटू वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जैसे x को कांस्टेंट लेंगे तो आएगा डी वी बाई डी टी प्लस v को कांस्टेंट लेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे, राइट हैंड साइड में आएगा यहां पर a t का तो 1 b का 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये x हो गया और ये dv बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल A से लिख रहा हूँ, जो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी इसको मैं यहाँ पर कैपिटल A लिखूँगा और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। प्लस ये v है और dx बाई डी टी भी v होता है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू A, है ना। तो x इंटू A इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस वी का जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वी का वैल्यू आएगा ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से वी निकाला वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यह एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा a इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी माइनस, ये जो है मैं इसका स्क्वायर जो है अलग कर देता हूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए बी टी टू ए बी इंटू टी प्लस ए इंटू सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abt डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो देखेंगे इसमें से ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस 2abt और माइनस 2abt कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और ये है एक्सेलरेशन a। तो देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है ये कॉन्स्टेंट है तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर माइनस थ्री, है ना। क्वेश्चन में यही दिया गया है एक्स पावर माइनस एन, देखेंगे एक्स पावर माइनस एन दिया गया तो इसको कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू आएगा थ्री तो यहां पर जो आंसर हुआ वो हो गया थ्री।